अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। मैं क्या कहूँ, मैं जब आपके पास आती हूँ तो मुझे कुछ जहन में ऐसी चीज़ चल रही होती है कि दिल बड़ा दुखी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदेद। और आज जो है जुम्मतुल मुबारक है, बस मेरे जहन में एक बच्ची का चल रहा है और मेरे पास कुछ अल्फाज आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, और थोड़ी देर बाद आपकी भी यही कैफियत होगी। लंबा सांस लिया मैंने, और आज का जो मैसेज है वो दिल को दुखी कर देगा। तो मेरा दिल समझ में नहीं आता कि मैं आपको करूं शेयर या ना शेयर करूं, लेकिन सबसे पहले देती हूं दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। आज जुम्मा है और जुम्मतुल मुबारक में जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, उठते बैठते वज़ू बावज़ू, जिस तरह, क्योंकि ज़बान पाक होती है, दिल पाक होता है, जहन पाक होता है, तो आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली व सहाबी व बारिक व सल्लम व सल्लू अलैहि। तो जितना दुरूद शरीफ जुम्मतुल मुबारक को पढ़ा जाता है, इसका सवाब, इसका दर्जा ज़्यादा बुलंद होता है। और वैसे तो जितनी बार भी पढ़ा जाए, जिस दिन भी पढ़ा जाए, सारे मेरे रब के दिन और वक्त बनाए हुए हैं, और लेकिन कुछ वक्त की घड़ियाँ बड़ी तकलीफ़ दे देती हैं। सोशल मीडिया अच्छा भी बहुत है और बुरा भी बहुत है। सोशल मीडिया ने बहुत आसानियाँ भी पैदा कर दी, बहुत तकलीफ़ें भी पैदा कर दी। वक्त से पहले बच्चे मैच्योर हो गए, जो बच्चों में मासूमियत थी वो ख़त्म हो गई। एक इंसान के अंदर इंसानियत थी वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा ना कि जो आज मैं मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ, वो बात करते करते मेरे पास खुद अल्फाज जैसे उसका चुनाव ख़त्म हो जाता है कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। क्या आपको अपने बच्चे, बच्ची की एक आवाज़ आई कि मैं बोझ नहीं हूँ आपके बाबा। वाकई में बच्चियाँ बोझ नहीं होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेटियों से नवाजा, और उनका ज़्यादा वक्त जितनी ज़िंदगी थी बेटियों में गुजारी। तो फिर हम कैसे कह दें कि बेटियाँ हम पर बोझ हैं? मैं बोझ नहीं हूँ बाबा, मुझे ऐसे ना मारो बाबा। मुझे एक बात बताएं कोई, कि एक दिन की बच्ची को कोई 5 गोलियां मार दे 2022 में। मैंने कहा ना, मेरा आज अल्फाज का चुनाव मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं। 2022 में एक दिन की बच्ची को उसका बाप 5 गोलियां मार दे, हम कौन से मुसलमान हैं? छोड़ दें, मैं मुसलमान की बात, हम कौन से इंसान हैं? मेरे रब ने पहले इंसान को बनाया, दिल फट जाता है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है यार। बेटियों को आप इस तरह, अगर आपके अल्लाह पाक ने दी किसने, और जिसको तुमने अपनी बेटी को मारा, तो तुम्हारी, जिसने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तो वो भी तो किसी की बेटी थी, तुम भी तो एक औरत के बतन से पैदा हुए हो, तो फिर तुम्हें अपनी बेटियां क्यों बुरी लगी? फिर तुम्हारी बेटियां कैसे बोझ हो गईं? तुम भी तो किसी की बेटी के बेटे थे ना, तो अपनी माँ को फिर मार देते ना। तुम्हें औरत इतनी जो पसंद नहीं थी, तुम अपनी बीवी को भी मार देते ना, तुम अपने इर्द गिर्द सारी औरतों को मार देते, तुम्हें नहीं अच्छी लगती बेटियां, तो तुमने अपनी बेटी को मार दिया, और वो भी एक दिन की बच्ची को। मैं कहती हूँ वो बच्ची हम सबसे सवाल करेगी कि तुम लोग कहाँ थे कि तुमने आवाज तक ना उठाई। हम कभी कभी, मैं कहती हूँ, हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हकूमत को अपनी पड़ी है, हाय मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी। हकूमत को कोई परवाह नहीं, इस बच्ची के साथ हुआ क्या? हाँ, उसको पकड़ लिया गया, बिल्कुल पकड़ लिया गया, लेकिन ये होता क्यों है? अभी उस बच्ची का वाकया खत्म हुआ ही नहीं था, एक और बच्ची का वाकया मेरे सामने आ गया। सिंध के अंदर, कुरंगी के अंदर, 21 दिन की मासूम बच्ची को एक बार फिर बाप ने कत्ल कर दिया, सर काट दिया। अब मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? वो माँ किससे फरियाद करे?
कैसे लोग हो तुम लोग। मैं कहती हूँ बीच चौराहे में उड़ा दो ऐसे बंदे की गर्दन। मदीने की बातें करते हैं, मदीने के असूल को अपनाने की सिर्फ बातें करते हैं। मैं कहती हूँ छोटी मासूम बच्ची को क्या पता, आज भी कोई मर्द अगर कोई अड़ोस पड़ोस में होता है वो किसी बच्ची को कहता है बेटा ये ले लो, तो बच्ची खुशी से लेती है। उस मासूम को क्या पता, 3 साल की बच्ची को क्या पता कि हवस क्या होती है। उस 3 साल की बच्ची को क्या पता जो मासूम सा फ्रॉक पहने उस बच्ची ने उंगली पकड़ी उसके साथ चली गई। खुदा का खौफ नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या करेंगे आप लोग, कितनी उम्र गुजारेंगे इस दुनिया में। इस जहां में भी तुम्हारी दुनिया खत्म, उस जहां में भी तुम दोजख की हो। उस मां का कलेजा ना फट गया होगा। एक बच्ची की कितना है, इतनी छोटी सी होती है, गोलियां लगी है गोलियां। खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों में। मत कहा करें आप मुसलमान है, मत कहा करें आप इंसान है, आप जानवर से भी बदतर है। अपने साथ हम, आप लोगों के साथ हम भी गुनाहगार हो गए। मैं कहती हूँ सच बताऊं, मुझे लगता है हम सब, हमारी पूरी हुकूमत, क्योंकि मैंने देखा जहां तक ये वक्त गुजरता चला जा रहा है हम इससे बड़े बड़े सहाने देखने शुरू कर दिए। जब तक इनका चौराहे, बीच चौराहे पे इनका सर कलम नहीं होगा ना, जब तक ये नहीं रुकेगा। अगर आप चाहते ना मदीने की सल्तनत, मदीने की बातें करते हैं ना करा करें। मेरे नबी को भी बड़ी ठेस पहुंचती होगी जिसकी खूबसूरत फूल जैसी बेटियां, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, पैगाम दिया। ये तो दोहरा दिया अपने वो किस्सा जब बेटियों को पैदा होते ही जमीन बोस कर दिया जाता था, आप लोगों ने दोहरा दिया। मुशरकीन बन गए आप लोग, ना करें ऐसा। इतनी प्यारी बेटियां होती हैं बेटों से ज्यादा। बेटा अल्लाह की नेमत और बेटी रहमत, आप रहमतों से दूर हो गए। एक अगर इतना बोझ था हमें दे देते, पैदा क्यों किया था। ये तो अल्लाह की आपने तफरीक कर दी जिसने आपको ये रहमत आप पे नाजिल फरमाई। आपने झुटला दिया रब की जात को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे रब ने ये आपको रहमत आप पर नवाजी। अब बहुत बदकिस्मत है, मैं हरगिज आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बा खुदा मैं जब भी देखती हूँ इस तरह मुझे बड़ा दुख होता है। अगर आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहते जरूर कीजिएगा, या मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक। वेलकम अगैन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले मैं आपको इंट्रो दे रही थी, और ऑफकोर्स आपको भी बड़ा दुख हुआ होगा कि मैंने उस बच्ची की बात दोबारा दोहराई। फिर हमारे यही सिस्टम है, चैप्टर बंद, खत, जिंदगी रवा दवा। और आर्मी पब्लिक के सहाने की तरह हर साल हम सब लोग उसको याद करेंगे। और जो तकलीफ, जो एक मैं क्या कहती हूँ एहसास की बातें होंगी, वो सिर्फ उसके वालदैन को याद होंगी या उसकी माँ को। बाकी हम लोग सब डिस्कस करेंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये एक हम लोग एक वो बन गए हैं, बस एक बुत है हम लोग और कुछ भी नहीं। बुत शिकन नहीं, बुत है हम लोग। और एक किरदार निभाते हैं, एक ड्रामे के किरदार होते हैं ना,
बस अब वो निभाते और आगे निकल जाते हैं। बस अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे कि हम कुछ अच्छा करने की जस्तुजू करें, हिम्मत करें और करके दिखाएं। आज डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करें और अच्छा काम करें ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, सब बुरे नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जो दूसरों को तकलीफ़ें देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ों को दूर करने की जस्तुजू करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा बेहतर करें, और ऐसे लोग मेरे रब मुंतखब करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको, वैसे तो कहते हैं नेकी करें एक हाथ से करें दूसरे को ना मालूम हो, लेकिन कुछ नेकी ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आने वाले लोग या आने वाली यूथ जनरेशन उसको फॉलो करें। ये ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं आगे पैगाम पहुंचाना, पॉजिटिव। तो इस वक्त मौजूद हैं सोशल बॉन्ड वेलफेयर एसोसिएशन से साइम तनोली, जो प्रेसिडेंट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है। और मैं आपके दोस्त से भी मिलवा दूँ, ऑफकोर्स वो हिस्सा है। तो सोशल बॉन्ड वेलफेयर एसोसिएशन से ऑपरेशन मैनेजर हैं तारिक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा जी, दोनों मौजूद हैं। अब इनसे पूछेंगे कि ये अपने एसोसिएशन से क्या रिप्रेजेंट करें, ये बताइए सर। सबसे पहले इब्तिदा कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया एक तो बुलाने के लिए और लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए। हमारा तकरीबन 10 साल का सफ़र है। अक्टूबर 2012 में जब हमने शुरू किया था, उस वक्त हमारे पास एक कमरा था, एक स्कूल था और एक बच्चा था। आज 10 साल बाद हमारे पास 1,250 बच्चे हैं, 4 जगह पर हमारे स्कूल हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, अप टू डेट सिलेबस के साथ, और तमाम चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। हमारे स्कूल मलीर, कोरंगी, डालमिया, लियाकताबाद में कायम हैं। और इसके अलावा 3 हमारे सेंटर भी चलते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ बच्चों को टेक्निकल कोर्सेज़ देते हैं। उन टेक्निकल कोर्सेज़ में कंप्यूटर, ब्यूटिशन, सिलाई के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि जो स्किल्स उनको एक माशरे में कामयाब कर सकती हैं या उनके ज़रिए माश का हिस्सा बन सकती है, उस हवाले से भी वो सेंटर हम 3 जगह पर चलाते हैं, मंगोपीर में, कोरंगी और लियाकताबाद में। इसी के तहत उसके हमारे और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तकरीबन हम 8 से 10 मेजर कैटेगरीज में काम करते हैं, राशन के हवाले से, मंथली सपोर्ट के हवाले से। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हमारे पास हैं जिनको मंथली रेगुलर बेसिस पर सपोर्ट करते हैं अपने तौर पर। उसमें बेवाएँ भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं तालीम के हवाले से। फिर माशी तौर पर किसी ने कोई कारोबार बनाना होता है उसमें हम उनकी मदद करते हैं। शादी ब्याह के हवाले से अगर किसी लड़की को मदद की ज़रूरत होती है वो करते हैं। फिर और कई मुश्किल हो, कोई आजमाइश हो कुछ हो, उसमें तो हम लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं। तो ये हमारा 10 साल का सफ़र है। प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब ने शुरू किया था, उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और उसके बाद जो है वो ये सफ़र अब कंटिन्यू होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं इसमें हमारे साथ, ज़्यादातर तालीमी मैदान से ही हैं। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, नेशनल कॉलेज के हैं, प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर हैं, नेशनल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र में हमारे साथ कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो एक लंबा सफ़र है और लोगों की मदद से चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें हिम्मत दें मज़ीद कुछ करने की लोगों के लिए, किसी भी बेहतरीन। अच्छा, ये एक मैं बात नोट कर रही थी, इन्होंने ऑल राउंड जैसे सब बातें बताएं कि भाई खाने का भी है, शादी का भी है, एजुकेशन का भी है, सेहत का भी है, बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट है। और मैं कहती हूँ हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीज़ों को, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो हमें अपने तई ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। और ये पॉजिटिव वर्क सिर्फ ये नहीं, हम भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे होगे यार एक एसोसिएशन बनाएं और फिर उसके अंदर कैसे लोगों को जमा करें, ऐसा कुछ नहीं। सपोर्ट का मतलब है कि अगर आप उसमें किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लें, एवरी मंथ आप कहें जी मैं 500 जो है इस बच्चे की एजुकेशन के लिए मैं इतना अफोर्ड करूँ। मैं ज़रूरी नहीं है अगर उसकी ज़रूरत ज़िंदगी 5,000 की है, तो आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ना लाएं कि मैं 5,000 पर मंथ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन आप 500, लेकिन आपको ये यकीन हो कि ये सही जगह पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। एक यहाँ का ताल्लुक, एक वहाँ का ताल्लुक, मैं सच कह रही हूँ। मैं कहती हूँ मेरा रब कभी भी आपका दिया रहेगा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं समझ लें ये वो कमेटी है, वो जब भी खुलेगी ना ब्लॉकबस्टर खुलेगी। ये मेरे साथ हुआ है, तो आप कभी भी ये सोच के दें कि यार ये मैंने एक तो सही जगह जा रहे हैं और मेरी नियत है मैं दे रहा हूँ। अब ये उसका और उसका मामला है ना,
आपका मामला तो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा कुछ करें तो ये नहीं सोचें कि मैं कुछ बड़ा अमाउंट, क्यों आपका कहते हैं सर, आपका क्या सही क्या गलत का? देखिए सोशल वर्क में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना कि लोग यही कहते हैं कि यार आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज होनी चाहिए। देखिए आपका किरदार होता है, हम कहते हैं कि पूरे समंदर के अंदर हमारा एक कतरा है। आज भी अगर बैठे तो हम अपने आप को ये समझेंगे कि यार हमने सिर्फ कतरे जितना काम किया अभी तक, और बहुत सारा काम बाकी है। अगर आप ईदी साहब की एग्जाम्पल लेंगे तो ईदी साहब ने कहा था कि मैं गुर्बत खत्म नहीं कर सका, तो उनका आप एक मंसूबा देखे, गुर्बत खत्म करने की सोच थी, लेवल उनकी थिंकिंग का क्या था। तो हम भी ये कहते हैं कि हम एक मामूली सा किरदार अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें लगता है कि हमें वहाँ पर दिया है किरदार निभाने के लिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना कर सके मैक्सिमम अपने वसाइल के अंदर, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास दरमियाने दर्जे का तबका है जो अपनी सैलरीज में से हमें हिस्सा देता है किसी तरीके से पूरा सेटअप चलाने के लिए। तो हमें मंथली लोगों के पास जा जा के कलेक्ट करने पड़ते हैं, बड़ी टफ एक्सरसाइज है, बड़ी आप यकीन जाने दिक्कत होती है, और अपनी जो मसल्स कहते हैं ना उनको बड़ा मजबूत रखना पड़ता है कि भाई यहाँ से ये जवाब आ सकता है, यहाँ से ये आ सकता है। तो वो खैर हम कहते हैं कि यार चले चल पड़े, जब हम चले थे तो कुछ भी नहीं था, आप यकीन जाने मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे पास 1,000 रुपए थे, हमने सोचा था कि हम कैसे चले, और अब मंथली जो है वो लाखों में अल्लाह ताला हमें लेकर चला गया है। एक कोशिश थी, काविश थी, और अल्लाह ताला चला रहे हैं। असल में एक तो होता है इंसान अपने लिए सोचता है, ठीक है, और एक सोचता है दूसरों के लिए, लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं ना तो फिर आपके लिए कौन सोचता है? वो रब की जात सोचती है। तो जब वो सोचती है तो आप सोचे फिर क्या सोचेगी वो आपके लिए, तो ये सोच की बात होती है। हम चलते तारिक साहब के पास जो ऑपरेशन मैनेजर है और हमारे दरमियाने कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं, यानी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जो आपने बात की जिस मौजू पे, बड़ा मतलब ये एक शर्मनाक ये बात है कि इस तरह के वाकयात और आजकल के दौर में इस तरह के वाकयात होना, और मतलब इतनी सफाकी। लेकिन मेरा कहना ये कि इस तरह के वाकयात की जब तक सजा और जजा का तस्वुर नहीं होगा ना, सभी तरह चीजें कुछ नहीं, ऐसे शख्स को तो मेरे ख्याल में सरेआम ही फांसी देनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ताकि लोगों को इब्रत का मकाम मिले। लेकिन इसका एक इखलाकी पहलू भी है कि जो अगर हमारे यहाँ जितनी मजहबी जमातें हैं और तबलीग करने वाले लोग हैं, उनको ये बड़ा उनका फर्ज बनता है कि ये इस पे लोगों को समझाएं कि ये लड़की पैदा होना या लड़की का होना कोई ये बाइस रहमत नहीं, बाइस रहमत है। और इस अगर हम ये पैगाम नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब नाकामी का शिकार हो रहे हैं। और मैं मुझे इतना अफसोस इस बात का होता है कि हम यानी इतने जदीद पढ़े लिखे माशरे में जहाँ इस तरह की जमाने जाहिलियत की मिसालें अगर इस तरह के दौर में भी मिल रही हैं तो एक अफसोसनाक बात है। मेरा मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसे शख्स को तो जितनी जो भी सजा एक्सट्रीम सजा दिया उस तरह आम देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल में याया भाई ने मेरा इंट्रो देखा है, उसकी बिना पर उन्होंने गुफ्तगू की कि बच्चियों को जो पैदा हो जाती हैं और उनके साथ जो ज्यादती करते हैं उनको, बेशक मैं भी इस पे एग्री हूँ कि इब्रत का निशान जब तक नहीं बनेगा ना तो ये सफाकी नहीं रुकेगी। बस अल्लाह पाक हम सबको, हम सब पर रहम करे, मैं ये कहूँगी। अच्छा जी, बात हो रही है तारिक साहब से, तो तारिक साहब ये बताइएगा, जिस तरह अच्छे काम, अच्छी नीयत, ये सब चीज़ें बड़ी काम करती हैं, डे बाय डे आप लोगों का जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है काम, तो अब क्या फीडबैक लोगों का आता है और कितने मसले आप हल कर लेते हैं इजीएस्ट? माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आता है। बस ये है कि बाकी सब सर ने बता दिया है, जितनी बातें भी हैं ना कि मतलब हमारे पास एक गरीब बच्चा आता है ना जो मतलब काम करता है, सुबह काम करता है और सेकंड शिफ्ट हमारे पास आगे पढ़ता भी है, मतलब तालीम लेता है। तो बस बहुत से मसले मसाइल भी आते हैं, पेरेंट्स वगैरह को इस तरह के इश्यूज हैं, बट ये है कि कोशिश आप लोगों ने जारी सारी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात नोट करती हूँ, मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे भाई भी बताएंगे, साइम तनोली साहब, आप कभी मैं गाड़ी देख ठीक करवाने जा रहे हैं, आप बाइक ठीक करवाने जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं ना हम लोग डिफरेंट जगहों पर, वहाँ एक होता है छोटा, छोटे पाना ले आओ, छोटे ये ले आओ, वो छोटा आता तो बड़ा मासूम है, लाइक जब वो 6 साल का होता है या 5 साल का होता है वो सबको देख रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। उसको सारी दहड़ी में जो सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे जाता है, 100 रुपये मिलता है उसको। मैंने पूछा, मैंने क्या मिलता है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे 100 रुपये मिलता है।
वो 100 रुपए जो है ना, 100 रुपीज जो है उसने अपनी माँ को देने होते हैं। लेकिन वो आता बड़ा है, उसके दान भी साफ होते हैं, ऑफकोर्स वो कुछ पान गुटका तो नहीं खाता। लेकिन उसी छोटे को मैं 3 साल बाद मिलती हूँ तो उसकी हाइट भी निकल जाती है, अब वो बिल्कुल बजारू हो जाता है। हमने एक नौजवान की जिंदगी को बर्बाद करने में ऐसे हाथ डाले हुए, कुछ भी नहीं ऐसे, हम कहते कुछ नहीं जाता हमारा ना, यकीन करें बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जाता है। वो पेरेंट्स भी गुनाहगार, वो जो बेचारा वो जो वर्कशॉप चला रहे वो भी गुनाहगार, हम भी जाके आंखें पाड़ के देख रहे हम भी गुनाहगार हैं। हमने एक नौजवान नस्ल को बर्बादी के दाने पे खड़ा होने में हम सबका किरदार है। काश उस बच्चे को कोई हाफिज़े कुरान बनाने के लिए डाल देता, स्कूल में डाल देता, उसकी कम से कम ग्रोथ भी अच्छी होती, उसकी सोच भी अच्छी होती। हमें नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं, यकीन करें हम जो है ना, हम कहते हैं सिर्फ मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा लाइफ स्टाइल, बाकी हमें कुछ नहीं मालूम। और सेकंड का आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या हो जाएगा। ये उस मैंने एक सिर्फ एक छोटी सी बात की है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सारा दिन उनके पेरेंट्स जो है वो उनसे भीख मंगवाते, रात को 12 बजे रोड पे मैं हैरान हो जाती हूँ। ये रोड पे ये वैसे तो बच्चे बड़े चोरी होते, ये 12 बजे बच्चा वो नींद में यूं हो रहा है और रोड पे खड़ा है। नहीं है तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं जगह बता देती हूँ आप लोगों को, मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाके देख ले। आपने देखा होगा लकी वन मॉल, मोती महल, आपने मोती महल के जस्ट अपोजिट यू टर्न है जो गुलिस्तान जौहर की तरफ, गुलिस्तान गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों टर्न के दरमियान एक कट है यू टर्न, उधर आप देखिएगा इस साइड मोबाइल मार्केट है। जब आप टर्न लीजिएगा, उसे गुलशन चुरंगी भी कहते हैं, वहां पे पठान के बच्चे दो इतने मासूम छोटे छोटे वहां पे खड़े रहते हैं। और वैसे हम कहते हैं बच्चे अखबार है, तो कौन सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन हमें इस बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेगी तो हमारी नौजवान नस्ल, आने वाले बच्चे, ये जो क्राइम बढ़े हैं ना, ये दिल बड़े हो रहे हैं, कितनी जल्दी क्राइम होता है। यहाँ से पकड़ियों ने गन दिखाई, वो गए ये गए, ऐसा है ना, ये वही बच्चे होंगे जब आगे इनको समझ कुछ नहीं आएगी ना, हुनर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी, ये तीनों चीजें लैक ऑफ अपग्रेड हम लोग आगे जाते हैं ना उसके लिए, ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो हम उस जगह पर खड़े हैं कि बाहर से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर एक दूसरे को मारा मारी, खानदान जो बड़े होंगे तो फिर खानदान में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि तरबियत अच्छी नहीं हुई ना, फिर एक दूसरे को मारना, चोरियां, डकैतियां, अगवा, रहजनी और गलत हरकतें जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ होता है, वो किसी चीज को भी अहमियत नहीं देंगे। तो सोच लें हम अपनी आने वाली नस्लों को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, मेरी बहन? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सभी कैसी हैं, आप ठीक हैं? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। आपने कहा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रजिया है। अच्छा जी रजिया, क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहूंगी जो आपने टॉपिक लिया है, बहुत प्यारा टॉपिक लिया है और बहुत जबरदस्त जा रहा है, और मतलब ये है कि हम सबकी यही सोच होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वाकई में साहिब भाई देखें, जैसे कहा ना इन्होंने कहा कि सबकी सोच होनी चाहिए, हमें क्या सोच बदलनी पड़ेगी सबसे पहले? देखिए जैसे आपने बात की थी ना, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा कि देखिए अहमियत की बात होती है, हमारे यहाँ समझते हैं कि बच्चा लड़का पैदा होगा और फिर वो वसाइल की वजह बनेगा, बिल्कुल वो काम करेगा। अगर आप बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल में जिसमें हम काम करते हैं ना, उसमें आप देखिएगा कि अक्सर बच्चे ज़्यादा होते हैं, 6 से 7 लड़के होंगे। अब वो 6 से 7 लड़के उन्होंने काबिलियत के लिए ज़्यादातर नहीं दिए होते, इसी वजह से होते कि वो 6 से 7 बच्चे बड़े होते हैं तो एक आपको ठेले पे नजर आएगा, एक मैकेनिक की दुकान में। ये सोच है, उनको बच्ची की अहमियत नहीं पता कि यार बच्ची आज की दुनिया में उसी जगह पर खड़ी है जहाँ लड़के खड़े हैं, और कई सारी फील्ड्स में उनसे आगे आप देखिए यूनिलीवर जैसी कंपनी, रेवलॉन जैसी कंपनी, लॉरियल, इन सबकी हेड जो फीमेल्स है, तो मतलब वो उस मकाम तक पहुंचे हैं। आप देखिए दुनिया पे कहाँ से कहाँ चली गई खवातीन, जहाज उड़ा रही है,
कोई चांद पे जा रही है और हम जो है आज भी उसी दतियन उसी दौर में बैठे हैं कि बच्ची पैदा हो गई तो आपने जो है वो बच्ची पैदा होने की वजह से उसको मार दिया, जो कि मुस्तकबिल की एक अच्छी लेवल पर किसी भी लेवल पर जाके घर वालों का भी और पूरे मुल्क का भी नाम रोशन कर सकती थी। तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है जिसपे मतलब एक प्रॉपर तबलीग होनी चाहिए, चाहे वो मजहबी फिरका हमारा दे, चाहे वो हमारा समाजी फिरका दे, कोई भी दे, मतलब लोगों की ये माइंड सेट बनाने की जरूरत है कि बच्ची की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी अपनी दो बेटियाँ हैं पर वैसे एक बात बता रहा हूँ कि मतलब देखिए आज के ज़माने में बंदा फिक्रमंद होता है कि यार उनको कैसे ग्रूम करे, कैसे बड़ा करे, किस तरीके से वैल्यू समझाए, चीज़ें बताए। तो हमारा क्योंकि पूरा वैल्यू सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है तो लोगों का माइंड सेट भी उसी तरीके से डेवलप हो गया है। लोग कहते हैं कि भाई बच्ची है तो सही है, किसी काम की नहीं, लड़का है तो वो ज़रूर। अब आप इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले लें, मोबाइल स्नैचर होते हैं, मोबाइल स्नैचर भी किसी के बच्चे हैं भाई, उन्होंने भी मतलब लड़का पैदा हुआ ना, खुशी मनाई होगी, मिठाई बनी, तो मोबाइल स्नैचर क्यों बना, सोचने की बात है सबसे बड़ा सवाल। तो बात यही होती है कि वो ज़रूरी नहीं होता, बच्चे की काबिलियत पे, पेरेंट्स की मेहनत पे, वो जो सोच डेवलप करते हैं उस पर वो बच्चा डेवलप होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माशरे में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकता है। बेशक इन्होंने बहुत अच्छी कहा बात की कि जो अक्सर वैसे डकैती में हम लड़कों को ही अवेलेबल मतलब वही होते हैं, ज़्यादा लड़कियाँ तो नहीं, लेकिन एक और चीज़ है कि आप लड़की की तरबियत करें या लड़के की, आगे आपने तरबियत जिसकी अच्छी करेंगे उसी से आप फल खाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा आप लोगों ने नाज़िम कहीं नहीं जाना, मौजूद हैं साहिम साहब भी मौजूद हैं और तारिक साहब भी, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपके खिदमत में हाजिर है एंड थैंक्स फॉर इस्किल्स्टन जिन्होंने ये सेगमेंट मेरा जो है स्पॉन्सर किया एंड इस वक्त मौजूद है शेफ फातिमा फ्रॉम इस्किल्स्टन से। मैं भी बोल रही हूँ सबर कर जाओ फातिमा, कैसे हो आप, ठीक हो, कैसे हैं, कैसा लगा आज हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में? बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मतलब कम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। चलो ये अच्छी बात है ना, चले आज डिश का नाम भी बताएं और क्या बन रहा है, आप इस साइड आ जाओ गुड़िया जी, मैं इधर आ जाओ, देख इससे वो आप आराम से जब तक ये भी गर्म हो जाएगा जी, क्या करें हमारे कराची में जो है वो गैस स्लो स्लो आती है, तो हमने कहा चलो थोड़ा तुम भी हॉट हो जाओ तो हम भी यहाँ पर काम कर ले। चले जी यहाँ पर डिश का नाम आज मैं बना रही हूँ बर्मीज खाउसा। ओके चाहिए, यहाँ पे मेमन खाउसा भी कहलाता है, खाउस सोया भी कहलाता है, ठीक है। इसके लिए तीन चीजें बनेंगी अलग अलग, सही है। ओके इसमें स्पैगेटी बॉईल होने थे, मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रख दिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी चिकन का सालन जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, उसके लिए मैंने ली है चिकन 500 ग्राम, सही है। ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ठीक है। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने लिए है हल्दी, सही है। और ये पिंच लिया है मैंने रोस्टेड क्रश ह्यूमन, और ये है थोड़ा सा चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून के अराउंड समझ लें आप, और ये है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, सही है। इसके बाद कड़ी के ऊपर अगर आ जाते हैं हम लोग, तो जो इसके साथ जो बनती है वो बेसिकली बनती है कोकोनट कड़ी, वैसे लोग दही वाली कड़ी भी बनाते हैं मगर ऑथेंटिक बर्मीज खाउसा में कोकोनट कड़ी डलती है, इस वजह से मैं कोकोनट कड़ी बना रही हूँ, ठीक है। सही है, इसके लिए मैंने लिया 3 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है बेसन, ये है मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर जो कि है 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। ये मैंने क्रश कोकोनट लिया है 1 टेबल स्पून, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। ये है टोमेटो पेस्ट जो कि जाएगा चिकन की कड़ी में, ये ऑयल है और ये अनियन है 1 लार्ज फाइन चॉप जो कि जाएगी चिकन की कड़ी में, सही है। तो हम लोग पहले सबसे पहले कड़ी बनाना चाहते हैं। अच्छा ये क्या है मेरा सोना शहजादा, ये इतनी सा, ये तो चलो हो गई बाउल, इसमें स्पेगेटीज जी जी, ठीक है, एंड देन ये चिकन हो गई जी जी, गुड है। अच्छा इसके बाद ये और ये और ये इतने ये सारे सारी चीजें, असल में जब खाउसा बनता है ना तो उसके बाद गार्निश, अच्छा, बहुत सारी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो सारी चीजें गार्निश की ना मतलब बहुत, और ये आपने ऐसी जगह रख दी है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चिप्स जो बने हुए खाती हूँ। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने डाला है इसमें बेसन जो कि मैंने लिया था 3 टेबल स्पून, इसको मैं करूंगी थोड़ा सा रोस्ट, सही। जब थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी बेसन की हल्की हल्की, ओके, फिर इसमें मैं डालूंगी पानी और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसकी वो गिटली है वो क्या बोलते हैं वो, हाँ गुटलियाँ नहीं बननी चाहिए, मतलब अगर बन जाती हैं तो अगर आप इसको विस्कर यूज करेंगे या आप इसको चलाते जाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगी, शुरू में बनेगी, जाहिर है आप जब पानी डालेंगे तो शुरू में गुटलियाँ आएंगी मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ना
सही हो जाएंगे। जी नाजीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, शेफ फातिमा मौजूद है फ्रॉम क्रिस्टन से, और ये स्पेशली एक डिश बना रही है जो डिश का नाम है बर्मीज खाउसा। बर्मी खाउसा, पता नहीं कितने मुश्किल मुश्किल नाम है, ये पाकिस्तानी डिश है? नहीं, बर्मीज डिश है। बर्मीज, ओके जी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे खा लीजिएगा। और इस वक्त बेसन भूना जा रहा है और अभी रमजान भी आ रहे हैं, और रमजान की हम करेंगे आपके साथ स्पेशल ट्रांसमिशन। 4 बजे से मगरिब तक आपने हमारे साथ रहना है, और बहुत जल्द इसका आपको प्रोमो भी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स रमजान ट्रांसमिशन में आप बनेंगे, अगर आप नातवा हैं, कंपटीशन है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, एक आप बेहतरीन मौलिमा हैं, आप उलमा दीन हैं। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम अच्छी बातों को आगे शेयर करें, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। नंबर है 03158248704। और बच्चों की होगी रोज़ा खुशाई, हमारे में सरप्राइज है हमारे ट्रांसमिशन का नाम, वो मैं अभी नहीं लेना चाहती, आप प्रोमो देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे ट्रांसमिशन का नाम क्या है। और 4 बजे से मगरिब की अजान तक यानी कि दुआ अफ्तार तक आप हमारे साथ रहिएगा। दिल तो करता है आप हमारे साथ रोज़ा भी खोलें, लेकिन हम आपको जो है हमारा कुकिंग सेगमेंट होगा, और उसमें हम आपको बहुत सारी डिशेस ऐसी बनाना सिखाएंगे जो ईजीएस्ट भी होंगी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी। और क्योंकि मैंने देखा, एक बहुत ही यकीन करें फातिमा, जब रमज़ान आता है ना तो सब चीज़ें महंगी कर देते हैं, फ्रूट इतना महंगा, मजबूर लोग बेचारे, वैसे जो लोग अफोर्डेबल हैं वो तो चाहे कितना भी महंगा ले लेंगे, लेकिन जो नहीं ले सकते हम उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी रिप्रेजेंट करेंगे जो किचन में ईजीएस्ट अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुनूं और कहूं तो खजूर से भी रोज़ा खुल जाता है। आप अपने घर में मतलब जो भी खाना है, जो भी रोटी सालन है उससे भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। इसमें मैंने डाला है 1.5 कप वाटर, ठीक है, सही है। अब मैं डाली हूँ उसमें जो मैंने कोकोनट पाउडर बताया था जी, कोकोनट क्रश बताया था, सॉल्ट बताया था, और ग्रीन चिलीज का पेस्ट। ये देख ले नाज़रीन, फातिमा इसमें ऐड कर रही है, ये मैं मतलब बहुत डिफरेंट सी डिश लग रही है जी, और क्योंकि कभी जरा सी हमारे देसी खानों से हटके कुछ होती है ना, ये मुझे दे दीजिए तो मुझे जरा सा अजीब लगता है कि यार अभी टेस्ट में, लेकिन क्रिस्टन के स्टूडेंट जब भी आते हैं, बड़े कल विंग्स बन रहे थे ना यार, इतने मज़े के बने उस बच्ची ने, बहुत अच्छे विंग्स। सॉरी क्या, अच्छा फ्रॉक गिर गया। अच्छा जी, मैंने इनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल जोन कर दूं ताकि ईजीएस्ट चीज़ों को यूज़ कर सके। शेफ फातिमा मौजूद हैं, ये हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अच्छा, कड़ी की तरह जी। अब इसको मैं चूल्हे से उतार देती हूँ क्योंकि हम लोगों ने सालन प्रेप स्टार्ट करना है। ओके, और चूल्हा हमारे पास फिलहाल एक ही है, तो इस हिसाब से कितने चूल्हे लाऊं मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम, ओके जी, कैसी हैं आप? मैं जिधर जिधर जाती हूँ उधर उधर आप आती हैं, आप कितनी अच्छी हैं, लविंग है मेरी बहन, अल्लाह खुश रखे आपको, इस तरह मुस्कुराते हैं आप, मुस्कुराते रहो इसी तरह। हाँ जी, रुखसाना जैदी डिश देख रही है जी जी, और जबरदस्त बन रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मैम, तो मुझे तो लगता था कि काउसे सिर्फ एक ही किस्म है, बस वो मुझे एक ही चीज होती है, लेकिन उन्होंने तो डिफरेंट नाम बता दिया, तो कौन कौन सी किस्मों के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं? और दूसरा, आप रमजान के हवाले से बात कर रही थी, बात सही, रमजान में तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा कि आपके साथ चलेंगे और मजे मजे की डिशेस बनती रहेंगी, और रमजान की बरकतें भी समेटेंगे, तो अब यानी टाइमिंग थोड़े चेंज कर देंगे यानी रमजान में। बिल्कुल, यही रमजान की, बिल्कुल रुखसाना जैदी ने इतने प्यारे प्यारे सवाल कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी क्लू मिल गया। एक तो प्लीज अपना अपना टेलीविजन ना जहाँ कन्वीनियंट हो, जहाँ किचन से नजर आता जरूर रखिएगा, क्योंकि रमजान में आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल मैसेजेस मिलेंगे, होम रेमेडीज टिप्स मिलेंगी गुफ्तगू में, और बड़ी रमजान की फजीलत, उसके अशरे, उसकी रहमत, उसकी बरकतें हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाइव कॉल भी होंगी, लेकिन वही ट्रांसमिशन जो शाम 4 बजे से मगरिब की अजान तक जो होगी वो रिपीट में मॉर्निंग में प्ले होंगी, तो आप फिक्र ना करें, मैं फिर दोबारा सुबह आपको अगेन नजर आऊंगी, ठीक है? चले, अच्छा किया उन्होंने पूछ लिया, थैंक यू। अच्छा, लाइव कॉल पे भी मौजूद है रुखसाना, मैं समझी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में रमजान ट्रांसमिशन हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और आप जरूर मुझे जो कोई भी अगर अपनी एडवाइस करना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे,
और नंबर के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं जी। फातिमा, अब हम लोगों ने चिकन की प्रेप स्टार्ट किया है, तो इसमें मैंने लिया है हाफ कप ऑयल, इसमें मैंने 1 लार्ज फाइन चॉप्ड अनियन डाली है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी थोड़ी, फिर इसके बाद मैं अपना बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। इसमें फिर इसके बाद मैं चिकन डालूंगी, फिर उसको भूनूंगी और फिर सारे स्पाइसेज ऐड करके उसको बस दम देना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जितना इसका नाम वो लगता है ना कि खाउसा, बर्मीज खाउसा क्या है, ये बनाने में कुछ इसमें मुश्किल ये आज ही बन जाएगी जो लाइट हमको इंडिकेशन दे रही है। अच्छा जी अनवर भाई, अल्लाह आपको पूछे, कम अज कम सिलेंडर रेडी करना था ना। देखो हमें क्या, अच्छा लाइट थी सुबह, ये जो गैस थी जी, उन्होंने मुझे चेक करवाई, इन्होंने शहजाद भाई ने आपको चेक कराई, लेकिन क्या करें सिंध हुकूमत, अल्लाह तुझे नेक हिदायत दे, क्या करते हो यार, मैं किसको पूछूं किसको ना। कि अच्छा ये भी प्रैक्टिकल मैं बताऊं, वी आर नेचुरली, हमें बातें करनी चाहिए, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। आप लोग भी सुबह नाश्ता बना रहे होते हैं, मैंने सुना बहुत खवातीन बिचारी हैं, एक माइंड बना के बैठी होती है और अचानक बच्चों को, अभी आगे बच्चों ने, अभी किसी ने कोनी एक बांधी हुई होगी, बच्चे ने शूज पहना होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते का और अचानक मम्मा ने चाय रखी है और अंडा आधा बना आधा नहीं बना, ऐसा है कि नहीं है? तो फिर वो बच्चे कहते हैं मम्मा देर हो रही है, तो वो माँ को समझ नहीं आती कि मैं दूं कि ना दूं, आधी कच्ची रोटी है आधी पक्की रोटी है, क्योंकि दो दो चूल्हे और घर में होते हैं, एक पे रोटी बन रही होती है, एक पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो वो तो सब वहीं रह जाता है ना। करे इतना जुल्म, मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज यहाँ खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्द मैं करंट अफेयर शो करने वाली हूँ। वैसे ही मेरे बॉस मुझे कहते हैं तुम करंट अफेयर करो शो, मैं कहती हूँ ना करे, मैं बहुत सारे अल्फाज यहाँ रोक देती हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग शो है, गुड मॉर्निंग विद सभी, तो बहुत दिल करता है, मैं कहती हूँ मैं बोलूं बहुत कुछ बोलूंगा, बोलते बोलते कुछ कुछ भी ना कहा कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। चले जी, देखे मेरी गुफ्तगू में प्यास, वो कहेंगे तुम इतनी आग भड़का रही हो, यहाँ लगाओ जबान को लगाओ, तो ये तेज तेज बगे। क्या जरूरत है यार, मुझे उमर शरीफ की बात याद आती है, तो वो कहती औरत क्या क्या करे, औरत क्या क्या करे, वो हस्बैंड का ख्याल करे, बच्चों का ख्याल करे, और औरत क्या क्या करे, उसने कहा औरत सिर्फ चुप रह करे, बाकी कुछ ना किया करे। तो अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो सारी बातें याद आ जाती हैं। और मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये भी एक बेटी है मेरे साथ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो काम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे रब ने, मेरे नबी ने कोई तफरुक नहीं किया, हमें इज़्ज़त और वक़ार दिया, तो आप कौन होते हैं हमारी इज़्ज़त को जो है वो समझे ना, ऐसा नहीं करे। अल्लाह पाक ने हमें नबी सल्लम के थ्रू पैगाम दिया सबको कि बेटियां रहमत है और इनकी कदर करनी चाहिए, इनसे दुआएं लें, और हम ही बेटियां होती हैं जो माँ बाप दुनिया से जब चले जाते हैं तो हम उनके पीछे कुरान पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, ये बेटियां ही होती हैं। मैं बेटों का नहीं कहूँगी नहीं करते हूँ, करते होंगे ऑफकोर्स, लेकिन जितने एहतमाम के साथ, जितनी तैयारी के साथ और हर दिन याद रखते हैं। मैं तो आज तक अपनी, मैं मतलब क्या कहूँ, मैं अपनी वालदा को नहीं भूलती हूँ, और मेरा मैं माँ बाप भूलने वाली चीज़ें भी नहीं, उन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है मेरी माँ की, अल्लाह उनकी बख्शिश करें, तो उनकी दुआओं से आज हम इस मकाम तक है। और अब बस हमें एक दूसरे की, मैं नहीं कहती आप इज़्ज़त सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बल्कि हम, हमें भी अल्लाह तौफीक दे हम दूसरों की इज्जत करें, ये ज़रूरी है। चले जी, हो गई कुछ जी, जी कुछ हो गई, थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो गई है, सही है, अब मैं इसमें डालती हूँ। ओके, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप थोड़ी और उसको ब्राउन कर लें, ठीक है। वैसे इसमें भी बस अभी लाइव है ना, थोड़ा सही है। अब इसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के, सही है। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, ठीक है, गार्लिक फ्राई हो जाए। गार्लिक फ्राई होने में अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट लगते हैं, अगर आप मतलब प्रॉपर फ्लेम पे कर रहे हैं, और अनियन फ्राई होने में अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं, सही है। अब इसमें डालें और कॉलर लेने इजाजत। जी जी, चलिए जी, हमारे दरमियान कौन है, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए। हेलो, कौन है मेरी बहन? आशी, क्या कहाँ से? आशीम तो कराची से, गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। ओके आशी, क्या पूछना है मेरी बहन, देख रहे हो मेरी चिटपिट? I'm just watching this your program. This is quite interesting to see that again. Chef जो है ये खाउसा बना रही हैं। तो इनको देख के मुझे सवाल जो है वो अभी जहन में ये आया कि मेमन, जैसे ये दिस इज द मेमनी डिश स्पेशली, और मगर हम लोग जैसे वी हैव टोटली उर्दू स्पीकिंग या कराची के जो लोग होते हैं वो उसमें ये इतनी डिश पॉपुलर नहीं है, बट वी वॉन्टेड टू ईट दिस। मगर जब जो नॉर्मली जब मेमन लोग नहीं होते हैं, जब वो ये डिश खाने के लिए जाते हैं,
तो उसको खाते हुए अजीब सी हमें एक हीक आती है, जैसे नॉर्मल जहाँ खाओ से मिलता है जो बाद बाद पे, वो एक खास किस्म की हीक होती है कि व्हेन वी स्टार्ट ट्राइंग टू ईट दिस, तो वो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे इस डिश को. ऐसा क्या डालते हैं ये लोग फिर जो मतलब या तो करी में कोई इशू है या फिर उसका कोई टेस्ट नहीं, जैसे कोकोनट इन्होंने डाला है अभी, कोकोनट पाउडर भी है और कोकोनट उसकी वजह से क्या वो टेस्ट थोड़ा सा बिटर हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसको डिश को कहते हैं कि जी हमें खाना ही नहीं छोड़ देते हैं हम उसको. मैंने बहुत जगह ट्राई किया है इन बाजराबाद आउटसाइड, मगर कि यहाँ के खाउस में मुझे वो टेस्ट नहीं बिल्डअप हुआ जिसको हम खाने के लिए करें हम उसको खा सकें. तो बस मुझे शेफ से मेरा यही क्वेश्चन है कि शेफ प्लीज ये बताएं कि जैसे मैं खाउस घर में अगर बनाती हूँ फॉर किसी मेहमान फ्रेंड से पूछ के, तो वो अपने तरीके से जैसे कि करी का जो है वो बेसन की करी वगैरह है, मैंने उसमें कभी भी नहीं ट्राई किया कि मैं उसमें ये कोकोनट पाउडर डालूँ या सुना, मैं उसको दही से बनाती हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिटर टेस्ट या फिर एक हीट जो आती है या वो कोकोनट की होती है मैं उसको नहीं बना पाती. तो मुझे बताएं कि क्या मैं इसमें ये कोकोनट पाउडर और कोकोनट डालूं तो क्या फ्लेवर अच्छा आएगा या फिर वो मुझे ऐसा डिश बन जाएगा कि वो मैं नहीं खा सकती या मेरे हस्बैंड नहीं खा सकते या मैं बच्चों को नहीं दे सकती. बहुत शुक्रिया आप बस उसका जवाब दें, मैं लाइव सुनती हूँ. अच्छा जी बात सुनिए चली गई. हेलो जी मैडम जी. अच्छा प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी तो बताएं आप हमें. प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नॉर्मली नहीं देखती हूँ प्रोग्राम, मगर अभी मैंने सडन ये स्विच किया था बिकॉज ऑफ दिस शेफ इज मेकिंग खाउसा, तो मैंने उसको देखना शुरू किया कि यार लेट्स सी के ये क्या ऐसा मैजिक करती है जो ठीक है मेरी प्यारी बहन बहुत शुक्रिया आपने कॉल की. अच्छा सिस्टर हाँ वाकई में कुछ डिशेस हमारे जहन में कुछ फोबिया है या कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि यार वो एक बार कहीं टच किया तो यार उसका टेस्ट नहीं होता, लेकिन उसका दिल कर रहा है कि ये चीज में जैसे मैं स्पेगेटी चिकन ये चीजें हम लोग मिक्स करके कुछ बनाते हैं या पास्ता या तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी जबान को टेस्ट हो जाए वो मजे का नहीं लगे, तो अब बताएं इसमें क्या चीज़ ऐसी ऐड होती है जो वो करी मैं सोचती हूँ मैं ऐसा बनाऊँ लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. असल में जो बात सारी है ना वो सारी टेस्ट बर्ड्स की बात है. अगर आपकी टेस्ट बर्ड्स डेवलप नहीं है ना तो फिर इसके बाद वो आपको चीज़ पसंद नहीं आएगी जब तक आपकी टेस्ट बर्ड्स डेवलप नहीं हो जाए. आपने सही बात करी बिल्कुल, आपने बोला कि जैसे हो सकता है कि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं है. ठीक है डोरियन एक फ्रूट है जो कि फॉरेन कंट्रीज में मिलता है और उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलाउ नहीं होता. सही मगर वो लोग खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका टेस्ट डेवलप हुआ है. वैसे ही कोकोनट करी का भी है उसका टेस्ट वाला. कोकोनट करी में जो आपने बोला कि कड़वा टेस्ट आता है बिटर टेस्ट आता है, देयर इज नथिंग मतलब कि इसमें बिटर टेस्ट आए, मतलब मैंने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला. हो सकता है कि वो जो कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है वो कोकोनट मिल्क, वो हो सकता है फ्रेश इस्तेमाल करते हो बिटर हो जाता हो और आपको फील होता हो. अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगी तो हो सकता है कि आपको बहुत इंशाल्लाह अच्छा फील मतलब फीडबैक मिलेगा आपको वो टेस्ट फील. मैं दे दूंगी परेशान नहीं मैं दे दूंगी फीडबैक इंशाल्लाह. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब थोड़ी थोड़ी मजबूरी ये है कि गैस थोड़ा थोड़ा कम है तो इसकी वजह से. अच्छा ये सिर्फ ब्राउन करना या सिर्फ नहीं, नहीं, बस इसको हल्का मैं इसको दम पे रख दूंगी. वैसे भी अब हो गया मेरे को इसकी वाइटनेस आ गई, वाइटनेस आ गई. अब बस मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी. यस स्पाइसेस मैं वापस रिपीट कर देती हूँ. ये मैंने लिए 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी और मैंने बिल्कुल पिंच लिया है रोस्टेड क्रश क्यूमिन और ये मैंने 1/2 टीस्पून समझ लिया मैंने लिया है चिकन पाउडर. चिकन पाउडर से फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है खास करके इंडस्ट्री में. तो अच्छा, ज्यादा मैंने एक चीज नोट किया आप बड़ी मेजरिंग करके डाली चीज में, मेजरिंग करके रिपीट मेजरमेंट करके जैसे बोलते हैं ना कि इतनी क्वांटिटी दिस 1/2 टीस्पून एंड पिंच और ये सब मैंने. असल में ना ऑडियंस पे बहुत कंफ्यूज हो जाती है ये कितना डाला ये कितना डाला, इस हिसाब से मैंने कहा कि मैं बता दूं. सही है और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट. आप बाहर का भी ले सकते हैं आप घर में भी बना सकते हैं. ये मैंने 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट डाल दिया. अच्छा कितना रह गया अब ये थोड़ा चंदा सा जल्दी शॉर्ट करें बस है ना. मैंने इसको ये भुना सही है समझे आप, फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी तो विद इन 5 to 10 minutes ये रेडी हो जाएगा. ये चिकन तो वैसे भी ठीक है फटाफट हो जाती है. वैसे तो इसको इसमें इसको इसमें फिर से असेंबली में डालेंगे, ये साथ में कंबाइन नहीं होंगे. ठीक है ठीक है. अच्छा आखिर में हम इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दें जी. ठीक है चलें जी. हम लोगों ने क्या करना है ये स्पेशल पैकेज आप देखें क्योंकि आज हमारे जुबैर साहब नहीं आए हैं और हम लोगों ने उनका क्योंकि ऑफकोर्स एवरी उस. अच्छा जी मेरे ख्याल में कोई कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो
छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इट्स ओके, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना है और आना है, लेट्स सी, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ फातिमा के साथ. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का, किचन आपकी खिदमत में हाजिर है और शेफ फातिमा जो है माशाल्लाह जो है ना फ्लेम बिल्कुल जबरदस्त हो गया और देखें जी मुझे लग रहा है आगे तक आवाज पहुंच गई है और यार इतना प्यारा कलर आ गया. फातिमा आप जरा स्टेप बताइए क्या करना है. चिकन हमारी रेडी हो गई है, कड़ी हमारी रेडी हो गई थी, अब मैं असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दी. बीच में मैंने रखा है खाओ. अच्छा नहीं इधर नजर नहीं आएगा, आप इस साइड आ जाओ, साइड आ जाती हूं ताकि आप क्लियरली मेंशन हो जाए कि क्या कर रहे हो आप. ठीक है, बीच में मैंने डाले हैं नूडल्स, ऐसे गुड है, नूडल्स डाल लिए, साइड पे मैंने कड़ी डाल ली. अब इसके ऊपर मैं ये कड़ी चक सकते हैं, पकी है पूरी. जी जी ऑलमोस्ट रेडी थी. ठीक है, मैं जरा चख के देखो. जी जी आप चख सर, देखो तो टेस्ट कैसा है इसका. वो मेरी बहन ने ऐसी बात बोल दी, मुझे अभी वो कट आउट हो रहे. सही है, बस कड़वा तो नहीं लगा, कड़वा तो नहीं लगा, मजे का लगा. अब हम इसके ऊपर रख देंगे हमारी चिकन, बल्कि हल्का सा खट्टा खट्टा सा है वो, उसकी वजह से. क्या डाला? रेड चिली, चिलीज की वजह से आपको थोड़ा तीखा. हाँ मजे का लगा है, टेस्टी है ये. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो अगर हम लोग समोसों की चटनी में भी मजे से खा सकते हैं. ये ऐसा लगे इसमें हरी चीज डाली थी. जी जी बिल्कुल हेल्दी चीज है ये. really, मैं सच कह रही हूँ इसको, क्योंकि इन्होंने इस बेसन को जो भूना है ना ये तो शुगर पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा है. और ये ग्लूटेन फ्री कड़ी है, मतलब अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो वो इसको रोज कंज्यूम करे. ओके तो बहुत टेस्टी डिश है. गुड है, सही है. ये हमने इसके ऊपर डाल ली. ओके डन हो गया. बस ठीक है, इसको टाइम शॉर्ट है, जरा सा जल्दी करिए, छोड़ दो गिर रहा. अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट डिश हो गई. जी फर्स्ट, चले इसको साइड उधर कर दें और दूसरी को रेडी करें. टाइम शॉर्ट है, जल्दी चंदा. यू हैव जस्ट ओनली 4 मिनट और हमने इसको फिर टेक केयर, बाय बाय करना है, जल्दी कर लो. इसके साथ ये मैं कॉन्डिमेंट सर्व कर दूंगी. बस बस ठीक है, गुड हो गया. वन और सेकंड पे चले. वाओ जबरदस्त, इसमें भी बड़े. ओहो नेक्स्ट, ये भी वही ना कह रही हूँ इसको, ये स्पेगेटी इसके साथ. ओके डन हो गया. चले जी ये कंप्लीट हो गया. जी बिल्कुल, यू हैव डन. जी बिल्कुल, चले जी. शेफ फातिमा ने डिश बना दी है, जो डिश का नाम है बर्मीज खाउसा. बर्मीज खाउसा, और आप इसको जरूर टेस्ट कीजिएगा. और हम अभी शेफ फातिमा को थैंक्स करेंगे. थैंक यू सो मच. और इस किस्टन का भी शुक्रिया, और शुक्रिया करते रहना चाहिए एक दूसरे का. थैंक्स बहुत जरूरी है, एक तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट मिलती है, हौसला अफजाई बच्चियों की बढ़ती है. थैंक यू सो मच जी. सर मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगी, आपने इतनी देर हमें ज्वाइन किया और देख रहे थे कुकिंग का. जाते जाते कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहें तो प्लीज शो. बस मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ ज्वाइन करें और हमारा ये काफिला है, समझ लें एक सिलसिला. फेसबुक आईडी क्या है सर आपकी? द सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही है. हमारी वेबसाइट भी है द सोशल बॉन्ड .org के नाम से. इंस्टा पे भी पेज है सोशल बॉन्ड के नाम से. ठीक, हमें ज्वाइन करें और जितना पूल कर सकते हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परसेंटेज का मसला नहीं, जरूर अपना हिस्सा डालें उसमें जितना भी. बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे और आप और मजीद अच्छा काम करें और लोग आपके साथ ज्वाइन हो. थैंक यू सो मच जी. नाज़रीन हम लोग यहाँ से चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लेट्स सी स्पेशली पैकेज देखें जुबैर, मौलाना जुबैर अब्बासी साहब का, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह. अल्लाह हाफिज़. आ गए फिर यहाँ.